हेलो, गुड मॉर्निंग एंड जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप लोग? और उम्मीद करती हूँ माता रानी से आप लोग ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं नीमा रावत फिर एक नया और एक छोटा ब्लॉग के साथ में आई हूँ। तो जैसे कि परसों है 14 जनवरी, और 14 जनवरी में मकर संक्रांति है, और कहीं मकर संक्रांति बोलते हैं और मेरे उत्तराखंड में खिचड़ी संक्रांति बोलते हैं, और मैं हूँ अभी फिलहाल गुजरात में, और गुजरात में उत्तरायण बोलते हैं। तो मैं बना रही हूँ उत्तरायण में बच्चों के लिए नाश्ता। तो मैं आज बनाने वाली हूँ ममरे के लड्डू और मूंगफली और गुड़ की गुड़पट्टी। हम लोग गुड़पट्टी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग इसको चिक्की बोलते हैं। मूंगफली और गुड़ की चिक्की बना रही हूँ घर पे। तो आज का ब्लॉग मेरा ये है। तो दोस्तों, यहाँ पे उत्तरायण में बच्चों के लिए सभी लोग नाश्ता बनाते हैं, और बच्चे खूब अच्छे से खाते हैं नाश्ता, क्योंकि पूरे दिन दिन भर बच्चे छत पे रहेंगे। यानी सुबह मॉर्निंग की 7 बजे से चले जाएंगे नहा धो के, और शाम को 7 बजे छत से नीचे उतरेंगे, और पूरे दिन यहाँ पे पतंग चगाएंगे। और मैं लाई, मैं गई थी आज मार्केट, और मैं लेके आया 1 किलो मूँगफली। तो आप देख सकते हैं, ये आधा किलो का ये है, और आधा किलो ये है, और ये है सेकी हुई मूंगफली। तो आज मैं 1 किलो मूंगफली की गुड़पट्टी बनाने वाली हूँ। भी त्यौहार होता है तो बच्चे लोग 8-10 दिन पहले से ही धूम मचाना चालू कर देते हैं। पतंग लाना है, ये करना है, मम्मी ये बनाओ, मम्मी वो बनाओ। दीपावली भी आती है, तो दीपावली के टाइम पे भी बच्चे खूब परेशान करते हैं, चलो मार्केट चलो, मम्मी पापा चलो मार्केट चलो, पटाखे लाने हैं, ये लाने वो लाने, इतने मतलब परेशान करते हैं। और मेरे बच्चे तो इतने परेशान करते हैं कि बस पूछो मत। और बच्चे तो सबके ही परेशान करते हैं, ऐसा नहीं है मेरे करते हैं, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं ना, वो कुछ ज़्यादा ही परेशान करते हैं, दोनों के दोनों। 14 जनवरी को मकर संक्रांति, तो मकर संक्रांति में बच्चों को पता है कि मम्मी चीकी मतलब गुड़पट्टी हमेशा घर पे बनाती है। तो मेरे बेटे ने 8-10 दिन पहले से मेरे को बोल दिया, मम्मी नाश्ता कब बना रही है, मम्मी ममरे के लड्डू कब बना रहे हो, मम्मी मूंगफली की चिक्की कब बना रहे हो। तो मैं बोलो, बेटा अभी टाइम आने दो, फिर बनाएंगे। तो आज मैंने मार्केट से सब सामान ला के तो आज मैं बनाने वाली। और ये है दोस्तों सेके लिए मूँगफली। तो इसको मैं परात में निकाल दी हूँ, और ऐसे करूँगी हाथ से, इसके पूरे अच्छे से आसानी से छिलके उतर जाएंगे, क्योंकि ये सेके लिए है ना, इसके लिए बहुत आसानी से इसके छिलके उतार देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसके मूँगफली के पूरे छिलके उतर चुके हैं, एकदम आसानी से उतर गए हैं। और यहाँ पे दोस्तों मैं बाहर आ गई हूँ, क्योंकि इसको साफ़ करना है, क्योंकि अंदर करूँगी तो पूरा कचरा अंदर घर में चला जाएगा, क्योंकि इसमें सारे मूँगफली के छिलके। देख सकते हैं मूंगफली के पूरे छिलके उतर चुके हैं, और मूंगफली एकदम साफ हो गई। अब हम इसको साइड में रखेंगे। यहाँ पे है ये लाल वाला गुड़ 1 केजी का, और यहाँ पे गुजरात में ऐसे गुड़ मिलते हैं, ये है 1 केजी का, और इससे इतना बड़ा रहेगा वो 5 केजी का, और उससे और बड़ा रहेगा, ऐसे साइज ऐसी रहेगी वो कोई 10 किलो के, और एक मिलता है 20 किलो का इतना बड़ा, और ये खाली 1 केजी का है। और अब मैं इसकी चक्कू की मदद से इसको छोटे छोटे पीस करूँगी। और मेरे को छोटे छोटे पीस वाले गुड़ लाना था, लेकिन वहाँ पे था नहीं, मार्केट में था नहीं, और उसके अलावा मैंने 2-3 जगह मॉल में भी पता किया, लेकिन मॉल में नहीं था। मॉल वाला बोलते फिनिश हो गया, क्योंकि अभी त्यौहार है और सभी लोग ले जाते हैं, तो इसके लिए फिनिश हो गया था, तो इसके लिए मैं ये लेके आई हूँ। और ये है मेरा चक्कू, और चक्कू की मदद से मैं इसको ऐसे छोटे छोटे पीस तो नहीं हो रहे, लेकिन ऐसा छोटे छोटे इसको काटूंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं गुड़ भी इतना टाइट हो रखा है, क्योंकि ठंडी का मौसम है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ रही है गुड़ निकालने में, काटने में। और यहाँ पे मैं इसका मेजरमेंट करूंगी। और ये है एक बाउल मूंगफली, और यह है आधा से भी कम है, आधा ही है, तो यानी 1.5 बाउल हो गया मेरी
मूंगफली और इसमें गुड़ डालूंगी। यह आधा बाउल गुड़ है और थोड़ा सा इसमें मैं चीनी ऐड करूंगी, और गुड़ में इसलिए ज़्यादा नहीं डाल रही क्योंकि मैं इसमें चीनी डालने वाली हूँ। यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में, और सबसे पहले मैं अपने गैस को नमन करूंगी और इसके बाद मैं अब गैस को चालू करूंगी। तो उसमें रखने वाली हूँ कढ़ाई। दोस्तों कढ़ाई गर्म हो गई है, अब डाल रही हूँ मैं गुड़, और गुड़ मैंने डाल दी हूँ। अब डालूंगी मैं 2 चम्मच घी के, कोई लोग डालते हैं कोई नहीं डालते, लेकिन मैं डाल रही हूँ। और यहाँ पे मेरा गुड़ पूरा पिघल रहा है, और अब डालने वाली हूँ मैं 1 कटोरी चीनी, क्योंकि मैंने गुड़ कम डाला था और इसके लिए मेरे को चीनी डालनी पड़ी। और इसको भी हम खूब चलाएंगे, चीनी खूब अच्छे से गल जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं गुड़ के ऊपर पूरा झाग आ चुका है, लेकिन अभी भी हम इसको फिर और पकाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं गुड़ में पूरा झाग आ चुका है, और अब मैं इसको चेक करने वाली हूँ कि हमारा गुड़ पका है कि नहीं पका है। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरे में पानी ली हूँ और थोड़ा सा चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरा गुड़ एकदम ओके है, यानी तैयार हो गया है। ये देखो यहाँ पे मेरा गुड़ एकदम परफेक्ट पक चुका है, और अब डालने वाली हूँ मैं मूंगफली। और ये है लाल वाला गुड़, इससे हमारी गुड़ पकी। इसको अच्छी तरह मिलाएंगे, और इसमें बहुत मेहनत भी लग रही है क्योंकि गुड़ एकदम, गुड़ और मूंगफली एकदम मिलाना है दोनों को अच्छे से। ये है प्लास्टिक की थैली, मेरे पास टिश पेपर नहीं है तो मैं अभी इसी से काम चला रही हूँ, और इस पे मैं लगा रही हूँ तेल। सकते हैं ये है, और दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पानी ली हूँ, और पानी की मदद से इसको, तो ये बहुत गर्म है तो मैं थोड़ी थोड़ी हाथ में पानी लगाई हूँ और इसको फैलाई हूँ। और अब मैं थोड़ा बेलन से करूँगी क्योंकि हाथ में तेल लगा है, इसके लिए हाथ थोड़ा फिसल रहे। और अब मैं इसको ऐसे पीस करूंगी क्योंकि फिर कड़क हो जाएगा ना, फिर इसके पीस नहीं बनेंगे। तो फिर तो दोस्तों हम गुड़ पट्टी को अब ठंडा होने रखेंगे, और मैंने इसके पीस काट चुकी हूँ ऐसे बीच से, क्योंकि फिर बाद में इसको निकालूंगी तो एकदम मेरे को आसानी हो जाएंगे और छोटे छोटे पीस निकल जाएंगे। और अब इसको रखेंगे ठंडा होने, उसके बाद इसको डब्बे में भरेंगे। और अब चीकी के पीस में थाली में रख रही हूँ, बड़ी वाली थाली है इसमें रख रही हूँ, और उसके बाद में डब्बे में भरने वाली हूँ। और हम खाएंगे इसको मकर संक्रांति के दिन, और छत पे लेके जाएंगे बच्चों के लिए डब्बा भर के। और आज मेरे बेटे बहुत खुश होंगे क्योंकि मैंने बेटों को बताया नहीं कि आप भी आज मैं चिक्की बना रही हूँ, बच्चों को मालूम नहीं है, और बच्चे गए स्कूल और आके इतने खुश हो जाएंगे कि मम्मी आपने बना दिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 1 किलो मूंगफली की इतनी सारी गुड़ पट्टी बनी है, 1 किलो मूंगफली और 1/2 किलो गुड़ की इतनी सारी मूंगफली बनी है। और आप मेरे को कमेंट जरूर करिए मेरी गुड़ पट्टी की रेसिपी आपको कैसी लगी। और आज का ब्लॉग मेरा इतना ही, फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्ते, जय माता दी।